सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के आते ही मौसम आ जाता है कई तरह की सब्जियों को अपने किचन गार्डन में उगाने का। सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे आसान होता है टमाटर उगाना। टमाटर को आप दिसंबर से लेकर फरवरी, जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में भी उगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सर्दियों के मौसम में अपनी छत या बालकनी में भी, गमलों में भी उगा सकते हैं ढेर सारे टमाटर, वो भी बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल किए हुए 100% ऑर्गेनिक तरीके से। मैं आपको इस वीडियो में एक एक पौधे में कई किलो टमाटर उगा कर दिखाऊंगा और बताऊंगा हर पौधे में कई गुना टमाटर लेने की वो टेक्निक्स जिन्हें किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करके ढेर सारा प्रोडक्शन लेते हैं। मैं आपको सीड स्टोर वाले बीजों से और ताजे टमाटर के बीज निकालकर उन बीजों से, यानी दोनों ही तरह से टमाटर उगाकर उनके पूरे ग्रोथ अपडेट्स दिखाने वाला हूँ। गमले में ढेर सारे टमाटर पाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए, कब कौन सी और कितनी खाद देना चाहिए, प्लांट की ग्रोथ की हर स्टेज पर उनकी केयर कैसे करना है, वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि टमाटर के पौधे की पत्तियां क्यों मुड़ जाती हैं, पौधे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, फल बनने से पहले ही फूल क्यों झड़ जाते हैं और इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी के ही सीड्स खरीदें। अच्छी क्वालिटी के देसी टमाटर के सीड्स थोड़े महंगे होते हैं, पर इनके रिजल्ट कमाल के होते हैं और मैं इन्हीं सीड से हर साल अपनी छत पर ढेरों रसीले टमाटर उगाता हूँ। सीड्स ना मिले तो आप फ्रेश टमाटर के बीज निकालकर उनसे भी टमाटर के पौधे उगा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा पका हुआ अच्छी क्वालिटी का लाल टमाटर। इसके बीजों को बाहर निकाल लीजिए। अब इन्हें एक स्टील की छलनी में अच्छी तरह से रगड़कर धो लीजिए, जिससे बीज के ऊपर का सारा पल्प पूरी तरह से निकल जाए, वरना बीजों में फंगस लग सकती है। अब इन्हें एक दिन के लिए शेड में फैलाकर सुखा लेते हैं। अगले दिन सीड सूख गए हैं और लगाए जाने के लिए तैयार हैं। पहले मैं सीड स्टोर से लाए हुए बीज लगाने वाला हूँ। सीडलिंग ट्रे में हम मिट्टी की जगह सीडलिंग मिक्स तैयार करके भरेंगे। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को थोड़ा गीला करके अच्छी तरह से मिला लें। मिक्सचर को सीडलिंग ट्रे में भर दीजिए। अब इसके हर सेक्शन में 3-4 सीड्स लगा दीजिए। जब सीडलिंग्स बड़े हो जाएंगे तो हम इनमें से कमजोर सीडलिंग्स को हटाकर हर सेक्शन में सिर्फ सबसे हेल्दी सीडलिंग को ही बढ़ने देंगे। अब सीड्स को मिक्सचर से कवर कर देते हैं। जर्मिनेशन होने तक इस ट्रे को शेड में रखना है। इस दौरान जब भी ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे, इन पर पानी का स्प्रे करें। इसमें बार बार पानी नहीं देना है, वरना ज्यादा मॉइस्चर से बीज खराब हो सकते हैं। ठीक इसी तरह अब मैं टमाटर से निकाले हुए फ्रेश सीड्स भी लगा रहा हूँ। दस दिनों बाद बाजार वाले सीड्स लगभग 90% जर्मिनेट हो चुके हैं और इनमें 3-4 पत्तियां भी आ गई हैं। अब मैं इस ट्रे को ऐसी जगह पर रखूंगा जहां इसे सुबह 2-3 घंटे की धूप मिल सके। सीडलिंग्स को पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे। 20 दिनों बाद फ्रेश टमाटर से निकाले हुए बीज भी अब जर्मिनेट होने लगे हैं, यानी कि बाजार वाले सीड्स के मुकाबले फ्रेश सीड्स का जर्मिनेशन काफी धीरे और कम होता है। 25 दिनों बाद सीडलिंग्स काफी अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं और अब ये फाइनल कंटेनर में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार हैं। सख्त या चिकनी मिट्टी गमले में एकदम टाइट होकर जड़ों को बढ़ने नहीं देती। ऐसी पुअर सॉइल में पौधा अच्छे से नहीं ग्रो कर पाता, इसलिए टमाटर के पौधे को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड ऑर्गेनिक मिट्टी की जरूरत होती है। बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, कोकोपीट या रिवर सैंड 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का भी काम करता है। गमले में ढेरों टमाटर उगाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बड़े साइज का गमला या कंटेनर ही लें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं। आप इस तरह का बड़ा ग्रो बैग भी ले सकते हैं। आप आटे का पॉली बैग या बोरी भी ले सकते हैं।
मीडियम साइज के एक गमले में केवल एक पौधा ही लगाएं। यदि बहुत सारे पौधे आप एक गमले में लगा देंगे तो कोई भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पिटिशन करते रहेंगे। ध्यान रहे कि गमले के नीचे पानी निकलने के लिए कुछ ड्रेनेज होल जरूर हो। मैं सीडलिंग्स को इस 14 इंच लंबे, 24 इंच चौड़े और 15 इंच गहरे पुरानी प्लास्टिक फ्रूट क्रेट से बने कंटेनर में लगा रहा हूँ। जहाँ इसे मैंने रखा है वहाँ इस पर दिन भर धूप आएगी। आप देख सकते हैं कि भुरभुरी सीडलिंग मिक्स में लगाने के कारण सीडलिंग्स में कितनी बढ़िया रूट ग्रोथ हुई है। अब इनमें से सबसे हेल्दी सीडलिंग्स निकालकर मैं इन्हें कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। सीडलिंग्स को हमेशा जड़ों के लेवल से और भी ज्यादा गहराई पर लगाना चाहिए। इस तरह से लगाने से तने में से भी और ज्यादा जड़ें निकलने लगेंगी। जितनी घनी रूट्स होंगी उतना ज्यादा घना प्लांट भी होगा। प्लांट स्टेबल भी रहेगा और हवा में गिरेगा भी नहीं। बड़े कंटेनर में एक से ज्यादा सीडलिंग्स लगाने के लिए हर सीडलिंग के बीच कम से कम 8 इंच की दूरी रखना चाहिए। अब इन्हें अच्छी तरह से पानी दे देते हैं। 30 दिनों बाद पौधे के टिप्स इस तरह से कट कर दीजिए। ऐसा करने से आसपास से ढेर सारी नई साइड ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना हो जाएगा। जितना ज्यादा पौधा घना होगा उतने ही ज्यादा टमाटर इस पर आएंगे। 50 दिनों बाद पौधे काफी घने हो गए हैं और अब इन पर फूल आना भी शुरू हो गए हैं। पौधे को सपोर्ट देने के लिए मैंने इसकी ब्रांचेस को कुछ स्टिक्स के सहारे से बांध दिया है। इसे किसी कपड़े के लंबे टुकड़े से लूज बांध देना चाहिए, जिससे इसकी ब्रांचेस मोटी होने पर रस्सी से डैमेज ना हो सके। टमाटर के पौधे अब लगभग 2 महीने के हो चुके हैं। सभी पौधों पर जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और कहीं कहीं छोटे छोटे हरे टमाटर भी बनने लगे हैं। टमाटर के पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर्स नहीं होते हैं। इसकी जगह इसमें हर एक फूल में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। मेरे टेरिस गार्डन में काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। भंवरे या दूसरे उड़ने वाले कीड़े जब टमाटर के फूलों पर बैठते हैं तो वाइब्रेशन के कारण इन फूलों में पॉलिनेशन यानी परागण होता है। पर अगर आपके प्लांट्स में ये नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल बनने से पहले ही फूल गिरने लगेंगे। ऐसे में आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए। हैंड पॉलिनेशन करने के लिए आपको फूलों को इस तरह से उंगलियों से धीरे धीरे वाइब्रेट करना है। आप यहाँ वाइब्रेटिंग टूथब्रश का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से पॉलन्स यानी पराग कण इसके स्टिग्मा पर गिर जाएंगे और फल बनने की श्योरिटी हो जाएगी। ये रिजल्ट है उन पौधों का जिन्हें मैंने ताजा टमाटर के बीज निकालकर उगाया था। 80 दिनों बाद ज्यादातर फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं और लगभग सभी प्लांट ढेर सारे कच्चे और हरे टमाटरों से भर गए हैं। इसकी ब्रांचेस काफी लंबी होती हैं और टमाटर के वजन से पौधे नीचे न गिर जाएं, इसके लिए मैंने इन्हें बांधकर सपोर्ट दे दिया है। और 80 दिनों के बाद ये है रिजल्ट स्टोर वाले बीजों से उगाए गए पौधों का। फिलहाल मैं बीन्स हार्वेस्ट कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सभी पौधे कच्चे टमाटर से लदे हुए हैं और कुछ टमाटर पकना भी शुरू हो गए हैं। सीड स्टोर वाले बीजों से उगाए गए टमाटर के पौधे अब लगभग 3.5 महीने के हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं पौधे पके हुए लाल लाल रसीले टमाटरों से भर गए हैं। ज्यादातर टमाटर पूरी तरह से लाल हो गए हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो चलिए इन्हें हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पौधे में अब पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं और सूखने भी लगी हैं। आपको सूखी हुई पत्तियों को और नीचे वाली पत्तियों को तोड़ते रहना चाहिए। ऐसा करने से प्लांट अपनी एनर्जी पत्तियों की जगह फ्रूट की ग्रोथ में लगाता है। अभी भी इन प्लांट्स में ढेर सारे छोटे बड़े कच्चे टमाटर लगे हुए हैं। 15-20 दिनों बाद ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये रहे हार्वेस्टेड टमाटर जो 3.5 किलो से ज्यादा लग रहे हैं। जिन पौधों को मैंने टमाटर से बीज निकालकर उगाया था 123 दिन बाद उनमें टमाटर पककर लाल हो गए हैं और अब मैं इन्हें भी हार्वेस्ट करूंगा। दोनों तरह के सीड्स से पौधे उगाने के इस प्रोजेक्ट से मुझे पता चला कि एक ही समय पर एक जैसे तरीके से एक जैसी खाद, मिट्टी और पानी देने के बाद भी स्टोर से खरीदे गए सीड से उगाए हुए पौधों के कंपैरिजन में ताजे टमाटर से उगाए गए पौधों में टमाटर काफी देर से भी आए और कम भी आए, पर टमाटरों का साइज और क्वालिटी काफी अच्छी है। गमले में टमाटर के पौधे लिमिटेड रिसोर्सेज और कम मिट्टी में उगाए जाते हैं
इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए पौधे को ग्रोथ की हर स्टेज पर न्यूट्रिशन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत होती है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको पहले 15 से 20 दिन सिर्फ पानी देना है, फिर हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या होममेड कंपोस्ट डालें और हल्की गुड़ाई भी कर दें। मैं केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद और मजा ही कुछ और होता है। मैं अपने ज्यादातर पौधों में किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर डालता हूं, जिससे मुझे ये शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाएं, इस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। वैसे तो टमाटर के सीड्स लगाने का बेस्ट टाइम तब होता है जब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला हो, लेकिन इसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और मार्च से लेकर जुलाई तक भी आसानी से उगाया जा सकता है। टमाटर के प्लांट्स में पानी देने का खास ख्याल रखना चाहिए, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट्स खराब हो जाते हैं। इन्हें पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। कई व्यूअर्स के कमेंट्स में ये सवाल था कि उनके टमाटर के पौधों के फूल गिर रहे हैं और फल नहीं बन पा रहे। तो फूल गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर वाटरिंग। फूल आना शुरू होने के बाद अगर मिट्टी में ज्यादा नमी हो तो जड़ें मिट्टी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और न्यूट्रिशन की कमी पूरी करने के लिए पौधा फूलों को गिरा देता है। इसलिए फ्लावरिंग शुरू होने के तुरंत बाद से ही पानी तभी देना चाहिए जब छूने पर 1 इंच मिट्टी सूखी महसूस हो या पौधे की पत्तियां थोड़ी मुरझाने लगे। पर मिट्टी को ज्यादा सूखने भी नहीं देना है, नहीं तो इससे भी फूल सूखकर गिर सकते हैं। कई बार टमाटर के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और इस पर 2-3 छोटे छोटे टमाटर ही आ पाते हैं। इसका कारण है पुअर सॉइल। चिकनी या सख्त मिट्टी में जड़ों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, जिस कारण पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए टमाटर का पौधा हमेशा भुरभुरी और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर वेल ड्रेन्ड मिट्टी में ही लगाएं। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग के लिए इसे सीधी धूप चाहिए। पॉट को ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 6 से 8 घंटे धूप आती हो। टमाटर के पौधों पर बीमारियां लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और इसी कारण खेतों में इन पर बार बार पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। पर इसका ऑर्गेनिक तरीके से इलाज बड़ा ही आसान है। इनमें ज्यादातर सफेद कीड़े यानी मिली बग्स, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स लगते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए ट्रांसप्लांट के बाद ही हर 15 दिन में 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर पूरे प्लांट पर स्प्रे करें, खासकर पत्तियों के नीचे जहां कीड़े छुपते हैं। नीम ऑयल 100% इफेक्टिव और ऑर्गेनिक होता है। टमाटर के पौधों में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लीफ कर्ल या पत्तियों का मुड़ जाना। इस बीमारी को TYLCV यानी टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस डिजीज कहते हैं। नई पत्तियां भी इस तरह से डिफॉर्म्ड या छोटी छोटी और मुड़ी हुई आने लगती हैं, और इसमें फूल या फल भी नहीं आते। ये वायरस पौधों में जेनेटिक होता है या व्हाइट फ्लाई से ट्रांसफर होता है। इससे बचाव के लिए सीडलिंग स्टेज से ही नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इन्फेक्टेड पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, और इसकी मिट्टी को भी दोबारा यूज मत कीजिए, क्योंकि पैथोजेंस मिट्टी में सालों तक जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप भी इस तरह के शानदार लाल लाल और ताजे रसीले टमाटर अपने गार्डन, टेरेस या बालकनी में आसानी से उगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।